10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 30 जुलाई 2023 यानी कल सुबह 6:30 बजे इसरो 6 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वहीं सभी सैटेलाइट की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से एक साथ होगी और उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए PSLV-C56 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। DSSAR उपग्रह को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी और ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी से तैयार किया गया है। इसका उपयोग सिंगापुर सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही ST इंजीनियरिंग अपने वाणिज्य ग्रहों के लिए मल्टी मॉडल और उच्च प्रक्रियाशील इमरजेंसी और भूस्थानिक सेवाओं का इसके साथ उपयोग करेगा। SSAR इजराइल एक्सप्रोस इंडस्ट्री द्वारा विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड रखता है। ये SDSR को हर मौसम और दिन रात की कवरेज प्रदान करने के लिए अनुमति देता है। अंतरिक्ष विभाग के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने DSTA और ST इंजीनियरिंग इन सिंगापुर से 360 किलोग्राम के SSAR उपग्रह को तैनात करने के लिए PSLV-C56 खरीदा है। इसरो ने बताया कि C-55 जैसा ही C-56 है और इन सबकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हो जाएगी। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।